जय श्री काल। आज आपको मैं माला जागृत कैसे करते हैं, जप माला जागृत किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके बताए हुए हैं अपने अपने साधना विधि के अनुसार, अपने अपने मतों के अनुसार। मैं आपको जो एक प्रैक्टिकल तरीका है वो बताता हूँ। उसमें दो तरीके आपको बताता हूँ। एक जो सर्वविदित है, जो भोले शंकर हैं, जो उनका शिवलिंग है, वो वैसे ही जागृत होता है। आप अपनी जप माला को वहाँ पे जाकर, रुद्राक्ष की माला को या कोई भी माला हो, वहाँ शिव जी के समक्ष उनको अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, आप गुरुओं के गुरु हैं और मेरी इस जप माला को आप जागृत करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस जप माला से अपने सभी साधनाओं को सफल बना सकूं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि वहाँ पे जब भी आप शिवलिंग पे जाएं, माला ले जाएं, माला अर्पित करें, उनको चढ़ा दें शिवलिंग पे, कुछ धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, जल अगर अर्पित करना चाहें तो जल करें, अन्यथा उसमें जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा बताशे मिला के और धार बना के शिवलिंग पे अर्पित करें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और इस विधि मात्र से ही माला आपकी जागृत हो जाती है, उसका संस्कार हो जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका और बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है और आप इस विधि को नहीं करना चाहते हैं, दूसरी विधि ये है कि आप चुपचाप आसन पर बैठें, अपने गुरु द्वारा बताए हुए गुरु मंत्र को अंदर ही अंदर बोलना शुरू करें, अपने लेफ्ट हैंड पे, अपने बाएं हाथ की हथेली पर माला को गोल गोल करके रख लें, अपना सीधा हाथ उस पर रख दें और अपने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। गुरु मंत्र का जाप करें, अपने गुरु को ध्यान करते हुए गुरु का ध्यान करें और उनसे हृदय से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, इस माला को आप अपने गुरु मंत्र से, आप अपनी शक्ति से जागृत करें, मैं इस माला से अपने मंत्र को जाप करना शुरू करना चाहता हूँ। और 5 से 10 मिनट अगर आपने पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से अपने गुरु को याद करा, वो माला चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है। एक सबसे शॉर्ट तरीका है, इसके माध्यम से आप अपनी माला को जागृत कर सकते हैं, चेतन कर सकते हैं और उससे जपने वाले बहुत सारे जो भी साधना आप करेंगे उससे सफल होंगे, उस मंत्र में पावर आएगी। तीसरा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये भी दोनों तरीके नहीं करने हैं तो आप उस माला से चुपचाप ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। 11 दिन का ले लीजिए। 11 दिन में आप चाहे 51,000 चाहे 21,000 संकल्प लेके इस मंत्र को ही, इस ओम नमः शिवाय को ही संकल्प लेके बोल दीजिए कि मैं इस मंत्र से इस माला को चेतन करने जा रहा हूँ। और 21 दिन या 11 दिन आप 11,000 21,000 आप शिवलिंग के पास बैठ के या अपने घर में, अपने पूजा स्थान में बैठ के सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम है अगर आप कर सकें, नहीं तो थोड़ा सा डिले भी चलेगा, ये करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 ऑटोमेटिकली उसमें शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी और उसमें शक्ति आपको महसूस भी होगी चलती हुई रुद्राक्ष के दानों में। ये सबसे अच्छा और सबसे तीन जो तरीके बताए, इसी तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों मैंने आजमाए हुए हैं और बहुत सारे साधकों को कराए हुए हैं, जागृत हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे साधकों के साथ शेयर करें जो भटक रहे हैं, जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ साझा करें ताकि इस ज्ञान को दूसरे को मिलने के उपरांत जो पुण्य लाभ हो वो आपको भी मिले। जय श्री काल भैरव।